मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर के साथ उदयपुर, बांसवाड़ा में कई जगह 50 से लेकर 91 mm से ज्यादा बारिश हुई है। बताया जा रहा है राजस्थान में इस बार बारिश रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि मानसून के शुरुआत में ही राजस्थान की नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे इन पर बने बांधों के गेट खुलने लगे हैं। हालात यह है कि कोटा बैराज का एक और काली सिंध बांध का एक गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी यह है, राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी 2 दिन और जारी रहेगा। इस दौरान 16 जिलों में भारी वह अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वैसे आपको बता दूं, आज भी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, नागौर और गंगानगर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई है और एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। और मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट यह है, कल शनिवार को भी बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक में भारी बारिश हो सकती है और अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली और साथ में श्रीगंगानगर जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में रविवार से बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में कल भी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उसके बाद दिनांक 2 या 3 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। 2 या 3 जुलाई के बाद में केवल छिटपुट स्थानों पर ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।